Good morning, dear friends, and greetings in the name of Jesus Christ. Let this new day bring new revelations of God. <inaudible> और आज के नए दिन में मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ और होने दे ये नया दिन कई सारी नई आशीषों को हमारे जीवन में लेकर के आए आई एम सो ग्लैड टू बी दिस फ्यू मिनट्स विथ यू और मैं बहुत आनंदित हूँ कि कुछ समय इस दिन के शुरुआत में मैं, मैं आपके संग बिता सकता हूँ सो लेट एस बी क्वाइट एंड लिसन टू गॉड

और पंद्रवे अध्याय के चौथे वचन में एक वचन एक बात एक शब्द ऐसा भी है जिसमें यीशु कहता है मुझ में बने रहो आफ्टर अ पर्सन इज कन्ट ऑफ सिन और जब एक व्यक्ति को उसके पाप के लिए कायल किया जाता है एंड ही बिलीव एंड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एस इज पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु के रूप में स्वीकार कर लेता है फर्स्ट ही रिसीव फॉर पहले वो अपनी क्षमा को परमेश्वर से पाता है एंड वंस दैट फॉर गिवनेस इज अटेन और उस, जब वो क्षमा उसे प्राप्त हो जाती है द गिफ्ट ऑफ इटर लाइफ इज हिस्स तब वो अनंत जीवन का जो तोहफा है वो उसका हो जाता है बट लाइफ इज सेंटर लेकिन याद रखिए जीवन का सारी बातें का मध्य प्रभु येश मसीह के साथ जो रिश्ता है उस पर निर्भर है एंड दिस रिलेशनशिप इंक्लूड द पावर ऑफ होली स्पिरिट टू सस्टेन एंड डेवलप और ये रिश्ता में जो महत्व है वो ये है कि जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है वही हमारी सहायता करता है कि हम इस रिश्ते में बढ़ने पाए एंड दिस रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टिव और ये रिश्ता सुरक्षित रखने वाला रिश्ता है एंड द रिलेशनशिप एम्फावर्स अ पर्सन टू प्रोड्यूस फ्रूट जो एक व्यक्ति की सहायता करता है की वो एक ऐसा फल लाए जो बना रहेगा सवाल ये उठता है की कैसे एक व्यक्ति फल को लाता है

कनेक्टेड विथ क्राइस्ट और इसलिए ये जरूरी है कि हम उन शर्तों को देखें जिनके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रह सकते हैं रिमम्बर द फ्रूट कम्स आउट ऑन द ब्रांचेस ओनली वेन द ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू द Main और अगर इस, अगर आपको याद हो और आप जानते हो तो फल तभी एक डाली में आता है जब वो डाली तने से जुड़ी रहती है अंदर फोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैटी नो दंडीशन इसलिए जरूरी है की हम उन परिस्थितियों को या उन गुणों को जरूर जाने जिनकी द्वारा हम प्रभु येह से जुड़े रह सकते हैं कंडीशन और आइए उन शर्तों की और हम देखें नंबर वन पहली वो शर्त स्पेंडिंग टाइम रीडिंग एंड स्टडी गॉड्स वर्ल्ड बाई मेडिटेटिंग ऑन और परमेश्वर के संग निरंतर रूप से एक समय को बिताना या मनन परमेश्वर के वचन पर मनन और प्रार्थना में उसके संग संगति करना दिस इज टूर सो दूथ गेट्स इन टू आवर माइंड और ये तो हमें जरूरी रूप से करना है ताकि परमेश्वर का सत्य हमारे मनों में बना रहे एंड फ्रॉम द माइंड इट मस्ट डिसेंड इन टू द और हमारे दिमाग से वो निकल कर हमारे हृदय में उस सत्य को आना है एंड दिस ट्रूथ देवर गाइड

और यहां पर यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और तुम्हारा मेरा वचन तुम में बना रहे ताकि मैं भी तुम में बना रहू सो वे और इसलिए जब कभी आप प्रार्थना करते हैं you guide you what to pray. तब वो पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ्य जो आपके भीतर मौजूद है वो आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपको क्या प्रार्थना करनी है दूसरी बात दिस इन्वॉल्व लिसनिंग टू जीसस और इसका मतलब है इसमें यह भी है कि हम यीशु मसीह को सुने एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द हैबिट ऑफ प्रेयर और ये इसलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना की जो आदत है उसे बनाए रखें एंड दिस इन्वॉल्व लिसनिंग टू जीसस एंड ड्रॉइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम और इसका मतलब है ये तब होगा जब हम यीशु मसीह से के उस सुनेंगे और उससे अपने बल और सामर्थ को पाएंगे That also you find in verse seven. और उस बात को भी हम सातवें वचन में That पाते verse हैं। seven is important. You read it again and meditate on it. और ये सातवां वचन यहुन्ना रचित सुसमाचार उसके पंद्रवे अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है आप उसे जरूर पढ़े और उस पर मनन करें The third condition of Christ, अब तीसरी शर्त की हम यीशु में बने रहें। Is a command to show true love for. Jesus. और वो तीसरी शर्त ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने सच्चे प्रेम को दिखाने वाले बने That is the third condition. और ये वो तीसरी शर्त है Obeying his command. हम उसकी आज्ञाओं को माने uh, in verse 10. और दसवे वचन में टॉक अबाउट लविंग अदर्स वो बात करता है दूसरों से प्रेम रखने के बारे में एंड लविंग जीसस विल रिजल्ट इन लविंग ईच अदर और यीशु से जब हम अपने प्रेम को बनाए रखेंगे ये प्रेम हमारी सहायता करेगा कि हम एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें वर्स 12 एंड 17 और 12वां वचन और 17वां वचन वर्स 12 सेज माय कमांड इज दिस लव इच अदर एज़ आई हैव लव्ड यू और वहां पर हम देखते हैं यीशु कहता है कि मेरी आज्ञा सिर्फ इतनी है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखो वर्स 17 से और 17वां वचन कहता this है दिस इज माय कमांड लव ईच अदर और इसकी यह मेरी आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो।

बाई मी लविंग अदर्स और इसका मतलब ये है कि मेरा प्रेम जो यीशु मसीह के लिए है वो प्रकट होना चाहिए मैं जब दूसरे से प्रेम रखूंगा एंड कंडीशन इज चौथी शर्त ये अवर लाइफ स्पिरिचुअली क्लीन अपने जीवनों को हम आत्मिक रूप से शुद्ध बनाए रखें हाउ कैसे बाई रिमेनिंग इन गॉड्स वर्ल्ड कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में रहने के द्वारा और ये हमारी सहायता करेगा कि हम उस परीक्षाओं के विरुद्ध खड़े हो फॉलोइंग द होली स्पिरिट्स डायरेक्शन और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पालन करें

और पिता परमेश्वर अपने उन्हें शुद्ध कर दे और तेरा वचन ही शुद्ध उन्हें करेगा And Romans chapter 8, verse 14, और रोमियों की पुस्तक उसका अध्याय और चौदवा वचन। Galatians chapter 5, verse 16 to 25, गलातियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय सोलवे वचन से लेकर के पच्चीसवे वचन तक एफिसियंस चैप्टर फाइव वर्ष ट्वेंटी सिक्स और की पत्री उसका पांचवा अध्याय छब्बीसवा वचन फर्स्ट पीटर चैप्टर वन वर्ष और पहला पत्र अध्याय पहला और बाईसवा वचन प्लीज टेक नोट ऑफ रीड योर कन्वीनियंट टूडे बिफोर यू स्लीप और कृपया करके ये जो वचन मैंने बताए हैं इन्हें आप नोट कर ले और आज के दिन समाप्त होने से पहले जब कभी भी आपको समय मिले इन्हें जरूर दूथ ऑफ दीज वर्सेस गेट इन साइड और होने दिन वचनों का सत्य हमारे भीतर बना रहे और वो सत्य हमारी सहायता करेगा की हम प्रभु ये बने रहे रिम्बर इसलिए याद रखें हाउ डू यू बिकम प्रोटेक्टिव आप कैसे सफलता पा सकते हैं फ्रूट और कैसे फल को ला सकते हैं इट इज बाई द ट्रूथ विच अइट इन यू

It will work from inside of you to bring forth the fruit. For the glory of God. और इसलिए आपके भीतर से कार्य करेगा कि आप फल को लाने पाए अपने जीवनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा और और इसलिए आज के दिन परमेश्वर आप आशीष. ये आज का दिन बहुत भला दिन है कि हम इन सारे गुणों को दूसरों को टुडे सर्विंग आज का दिन आपका अद्भुत आप परमेश्वर की सेवा द्वारा जो कुछ भी आप करें इट विल रिजल्ट इन द ग्लोरी ऑफ गॉड होने देव परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए लॉर्ड आई थैंक यू फॉर योर वर्ड कम टू वे परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए आज के दिन आपने हमें दिया वी आर योर चिल्ड्रन हम आपके बच्चे हैं वी आर टू सर्व यू हमें आपकी सेवा करनी है स्ट्रेंग स्पिर हमें तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विस्डम दट कम फ्रॉम योर वर्ड और हमें उस सामर्थ और ज्ञान की आवश्यकता है और तेरे उपस्थिति की